दार्जिलिङ बीजेपी टाउन मण्डल म भाइस प्रेसिडेंट को कार्यभार सम्हाल्दैछु। भोलि हाम्रो अनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाहज्यू आउनु हुँदैछ, अनि त्यसको लागि उहाँको एउटा मिटिङ छ यहाँ लेबोङ ग्राउन्डमा, गोर्खा स्टेडियममा एउटा मिटिङ हामीले कल गरेको छ। त्यो मिटिङमा वी आर एक्सपेक्टिङ मोर देन 40-45,000 पिपल त्यो ग्यादरिङ हुन्छ यहाँ। अन्त त्यसको लागि हाम्रो प्रिपरेसन यहाँ एकदम राम्रो रूपमा चलिरहेको छ, एन्ड बाई टुमोरो मर्निङ विल बी कम्प्लिटिङ अल आवर प्रिपरेसन। त्यसको लागि हाम्रो होम मिनिस्ट्रीदेखि पनि धेरैजनाले आएर यहाँ इन्सपेक्सनहरू गरिसक्यो, यहाँको लोकल एडमिनिस्ट्रेसनहरूले पनि आएर इन्सपेक्सनहरू गर्दैछ। त्यसको लागि कतिवटा सेक्युरिटी प्रोटोकल जुन हुन्छ त्यो हामीले सबै फलो गरेर त्यो सेक्युरिटी प्रोटोकल अनुसारै हामीले सबै प्रिपरेसन गरिदिँदैछ। अन्त वी होप द्याट द प्रोग्राम बिकम्स अ भेरी बिग सक्सेस। भोलि कति बजीदेखि प्रोग्राम छ? भोलि हाम्रो प्रोग्राम भोलि 10 बजीदेखि सुरु हुनेवाला छ, बट 9 बजी चाहिँ हाम्रो मोटामोटी ग्यादरिङ सबै भइसकेको हुन्छ। 9 to 9:30 हाम्रो ग्यादरिङ भइसकेको हुन्छ, 10 बजी हाम्रो होम मिनिस्टर साहब आइपुग्नु हुन्छ। तपाईँको भोलि प्रमुख वक्ता बाहेक अन्य वक्ताहरू को हुनुहुन्छ? अन्य वक्तामा हाम्रो यहाँको एमपी साहब हुनुहुन्छ राजु भिष्टाज्यू, त्यहाँदेखि हाम्रो यहाँ स्टेट लिडर्स हुनुहुन्छ, हाम्रो अलायन्सको पार्टनर्सको जो लिडर्सहरू छ मोहन घिसिङज्यू, अजय एडवर्डज्यू, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ स्टेजमा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोटोकल अनुसार। बाँकी वक्तामा चाहिँ बेसिकली चाहिँ अमित शाहज्यू हुनुहुन्छ मेन वक्ता, त्यो छोडेर हाम्रो मोहनजी हुनुहुन्छ, मोहन घिसिङ फ्रम आवर एलायन्स पार्टनर, एन्ड आवर पार्टी प्रेसिडेन्ट कल्याण देवानज्यू, उहाँहरूले चाहिँ उयो गर्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ पे एलायन्स पार्टनर्स जित्ने हैं आरबी राई सर और मोहन घिसिङ जी, अजय एडवर्ड जी, सभी लोग कल आ रहे हैं और ABGL से भी आ रहे हैं। तो जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं और हमारी बीजेपी की जो पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो सभी यहाँ पे रहेंगे, और प्रमुख वक्ताओं में से मेन तो हमारे अमित शाह जी होंगे ही, हमारे होम मिनिस्टर, और उसको उनको छोड़ के राजू भिष्टा जी होंगे, नीरज डिम्बा जी होंगे, हमारे पार्षद जितने भी हैं वो तीनों होंगे, और हमारे अलायंस पार्टनर्स जितने भी हैं वो लोग होंगे। सभी लोग यहाँ पे स्पीच देंगे। यहाँ पे पब्लिक का कितना गैदरिंग होगा वो एस्टीमेट कितना? एक्सपेक्टिंग 40,000 का पब्लिक गैदरिंग हम लोग का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्चुअली हम लोग का एक्सपेक्टेशन तो उससे ज़्यादा है, लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज मोर देन 40,000 पीपल, इसलिए वी आर रेस्ट्रिक्टिंग इट टू 40,000 पीपल कि उससे ज़्यादा लोग नहीं आए। और फिर कोविड के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने पड़ रहे हैं हम लोग को। वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग मास्क टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कि कोविड सेंसिटिव जगह हो रखा है अभी, यहाँ पे भी हमारे कोविड के 2-3 पेशेंट्स दार्जिलिंग में भी मिले हैं, इसलिए कोविड की भी सभी चीज़ हम लोग ध्यान रख रहे हैं।